लॉकडाउन के दौरान गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान किया है। ये पैकेज कुछ तबकों को बेशक राहत पहुंचाने वाला है, लेकिन किसान और मनरेगा मजदूरों को निराश करने वाला है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में लॉकडाउन से अगर कोई तबका सबसे ज्यादा परेशान हुआ है तो वो है रोज मेहनत करके कमाने खाने वाला और खेती करके जिंदगी का गुजारा करने वाला किसान। इन्हीं की मदद के लिए सरकार से लगातार अपील भी की जा रही थी, लेकिन गुरुवार को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1,70,000 करोड़ का पीएम गरीब कल्याण पैकेज घोषित किया तो किसानों और मनरेगा मजदूरों के हिस्से में केवल आंकड़ों की बाजीगरी आई। सरकार ने राहत पैकेज के तहत मनरेगा की दैनिक मजदूरी को 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया है, यानी रोज 20 रुपए की बढ़ोतरी। इससे 5 करोड़ मनरेगा मजदूर परिवारों को लाभ मिलने का दावा है। The wage rate being increased will result in 2,000 rupees per worker. So 182 rupees is being increased to 202. अब आपको बताते हैं कि इस बढ़ोतरी को आंकड़ों की बाजीगरी आखिर क्यों कहा जा रहा है। दरअसल इस पैकेज का ऐलान हुआ 26 मार्च को, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय तो 23 मार्च को ही मनरेगा मजदूरी बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर चुका था। इसके मुताबिक मनरेगा मजदूरी की नई दरें आंध्र प्रदेश में 237, गोवा में 280, महाराष्ट्र में 238, उत्तर प्रदेश में 201 और सबसे कम मध्य प्रदेश में 190 रुपये तय की गई है। अब ऐसे में मनरेगा मजदूरी को 202 रुपये किए जाने को क्या माना जाए? क्या सभी राज्यों में मनरेगा मजदूरी की एक ही दर लागू कर दी गई है? एक बात यह भी है कि अभी लॉकडाउन के चलते मनरेगा का काम बंद है। ऐसे में मनरेगा मजदूरों को जब काम मिलेगा ही नहीं तो मजदूरी का भुगतान कैसे होगा? इसके अलावा सवाल मनरेगा के बकाया भुगतान को लेकर भी है, जिसके लिए राज्य सरकारें लगातार केंद्र से मांग करती रही हैं, लेकिन राहत पैकेज इस पर मौन है। सवाल तो मनरेगा के लिए आवंटित बजट का भी उठ रहा है। जानकारों की माने तो नई दर से भुगतान करने पर 2020-21 के लिए दिए गए 61,000 करोड़ रुपए तो अगस्त तक ही खर्च हो जाएंगे। किसानों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सम्मान निधि की जो किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच मिलनी ही थी, सरकार ने बस उसे अप्रैल के पहले हफ्ते में देने का ऐलान किया है। इसमें भूमिहीनों के साथ साथ उन 3 करोड़ किसानों को राहत देने का भी सवाल है जो अब तक सम्मान निधि योजना के दायरे में आ ही नहीं पाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और मनरेगा को लेकर जो सरकार ने राहत देने का ऐलान किया है उसको जानकार आंकड़ों की बाजीगरी भी कह रहे हैं और काफी निराशा हाथ लगी। आइए बातचीत करते हैं, हमारे साथ शंकर सिंह हैं, मजदूर किसान शक्ति संगठन के कार्यकर्ता हैं। शंकर जी, ये बताइए कि सरकार ने राहत पैकेज के तौर पर ऐलान किया कि जो दिहाड़ी है मनरेगा मजदूरों की उसको 182 से 202 रुपए किया जा रहा है, इसमें किस तरह की चिंता आपको सामने लगती है, किस तरह की बाजीगरी लगता है? क्योंकि जो हाल ही में नोटिफिकेशन आया है उसमें जो सबसे न्यूनतम दिहाड़ी की बात हुई है वो कुछ राज्यों में 190 रुपए ऑलरेडी कर दी गई है, फिर इस तरह की बातें कि 182 से बढ़ाकर 202 रुपए करना, इसको आप कितना सही मानते हैं? एक तो ये आंकड़ा जो दिया जा रहा है ये पता नहीं कहां से उठा के लाए। 182 किसी भी स्टेट में नहीं है और 202 भी नहीं है। तो अब ये आंकड़ा उठाकर आप कह रहे हो कि हमने 20 रुपए बढ़ा दिए हैं, तो आप कोरोना वायरस के मामले को लेके अगर राहत देने की बात कर रहे हो तो आप 100 से 200 दिन करो, अगर रात ही देना है तो। एक और बात ये कि ये, जी जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सरकार ने बोला है कि 100 दिन के रोजगार के आधार पर उन्होंने जो कैलकुलेशन की है कि लोगों के पास अतिरिक्त 2,000 रुपए उपलब्ध होंगे, मगर ये कैलकुलेशन तो 100 दिन के रोजगार के आधार पर है। क्या लोगों को 100 दिन का रोजगार मिल पाता है? 100 दिन का तो 5 करोड़ लोगों को आज तक कभी नहीं मिला। आप 19 देखो तो परिवार 100 दिन पूरे कर पाए, उन्हें तो आप सोच सकते हो 1 साल पहले 35 लाख परिवार कर पाए, तो 100 दिन कैसे दे देंगे
और ये 100 दिन में मान रहे हैं कि हम ये 2000 रुपए का जो देंगे इनको बेनिफिट वो हर एक वर्कर को चला जाएगा। ये एक एक तरह का मजाक है, ये ऐसे कहना कि हम ये सब कर रहे हैं। आप आंकड़ों में तो कुछ भी कह दो लेकिन धरातल पे तो कुछ है नहीं ना जी। एक और बात बताइए कि इस वक्त मनरेगा को कोरोना संकट के समय पर बंद करने की बात सामने आई है, ऐसे में जो ये रुपए हैं ये मजदूरों तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि ये तो डिमांड बेस्ड योजना है। जी तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि आप मजदूर तो घर बैठा है, नरेगा बंद पड़ी है, तो उसके खाते में पैसे कैसे जाएंगे? वो मजदूर जारी नहीं होगा, वो काम कहीं तो काम कहीं निकलेगा नहीं जी। एक और बात बताइए कि ऐसे में जो बजट है उसका इन्होंने प्रावधान किया है क्या? अब जब कोरोना संकट के बीच इन्होंने दिहाड़ी 20-22 रुपए तक बढ़ा दी है, तो क्या इनके पास उतना बजट है कि आगे तक इस योजना को सुचारू रूप से चला पाए? इस बार जो इनका बजट है वो तो आपका अगस्त तक ही खत्म हो जाएगा, पिछले साल तो अक्टूबर में खत्म हो गया और इस बार तो अगस्त में ही खत्म हो जाएगा क्योंकि पैसे है नहीं और आप बैकलॉग करते रहोगे फिर कहाँ चलाओगे पैसा। अभी ये मजदूरी बढ़ी वो एक स्वागत योग्य कदम है, ठीक है, लेकिन मुझे तो एक और है कि मजदूरी का मापदंड क्या था बढ़ाने का? क्या वो इनका जो ये मजदूरी का जो इंडेक्स है, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है रूरल एरिया का, उस हिसाब से बढ़ता है या आपने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर का बढ़ाया है? तो आपने किस आधार को लिया? और ये आधार अगर आप हमेशा रखते हैं तो क्या हर साल बढ़ाओगे क्या? जी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए शंकर जी।